हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीबडी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू दैट इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ यू वी एस ऑन द मूव अगेन वी विल रीड धनुज विलेज धनु इज़ अ नेम ऑफ वन बॉय हु लिव्स इन अ विलेज टूडे ऑल द रिलेटिव हैव कम टू धनुज हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा आज सारे रिलेटिव जो है वो धनु के घर पर दशहरा सेलिब्रेट करने आए हैं दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर बुलक कार्ड्स धनूज़ father is the एल्डेस्ट इन the फैमिली सो ऑल the फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट their हाउस अब वो लोग जो घर पे सेलिब्रेट करने आए हैं दशहरा वो सब बुल्ला काट में अपना सामान लेके आए हैं और धनुष फादर जो है धनु के पापा है वो सबसे एल्डेस्ट है एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े हैं फैमिली में तो सारे लोग उनके घर पर ही इकट्ठा होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए धनुज़ मदर दैट इज़ आई मदर्स ब्रदर्स वाइफ दैट इज़ मामी एंड फादर्स ब्रदर्स वाइफ काकी आर बिजी मेकिंग पुरन पोली ये सारी चीज़ें जो आई मामी काकी आई मतलब होता है मम्मी ठीक है तो ये सारी चीज़ें मैम ने ट्वेंटी फर्स्ट चैप्टर चैप्टर में आपको मैच फॉलोइंग में सिखाया है ओके okay, सो so ये सारी जो लेडीज़ है घर की औरतें जो है वो क्या कर रहे हैं पुरन पोली बना रहे वॉट इज़ पुरन पोली इट इज़ अ स्वीट रोटी मेड फ्रॉम एंड ग्राम ठीक है गुड़ और ग्राम से मीठी रोटी बनाई जाती है इसे बोलते हैं हम पुरनपोली एलॉन्ग विद दिस स्पाइसी कड़ी डिश इज ऑल्सो मेड फिर यहाँ पे स्पाइसी डिश भी बनाते हैं मीठी रोटी के साथ द डे पासिस इन लाफिंग एंड चैटिंग बट बाई इवनिंग एवरी वंस मूड चेंजेस अब पूरा दिन तो हंसते बातें करते गुजर जाता है पर शाम होती नहीं और सबके मूड बदल जाते हैं द वुमेन एंड चिल्ड्रेन began to टू पैक luggage लगेज man मैन सेट डाउन the muqaddam muqaddam मुकदम is agent एजेंट lends मनी अब क्या होता है इवनिंग में सबके मूड चेंज हो जाते हैं वो सब अपना लगेज जो सामान जो है वो पैक करने लगते हैं और सब मुकदम के साथ बैठ जाते हैं मुकदम वह पर्सन है जो दूसरों को मनी उधार देता है और वो लोग सारे मीटिंग करके मुकदम के साथ बैठ जाते हैं द मुकदम गिवस द डिटेल्स ऑफ लोन टेकन बाई ईच फैमिली फिर वो जो मुकदम होता है वो क्या करता है कि कौन सी फैमिली में कितने कितने पैसे मुझसे उधार लिए है वो सारी डिटेल बता देता है उनको देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगेन द मुकदम एक्सप्लेन्स द विलेजर्स इन विच एरियाज़ दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स अब वो लोग दूसरे आ, कुछ जो महीने बाक, बाकी हैं उसके लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं फिर वो मुकदम बताता है कि कौन सी फैमिली कौन, कौन से विलेजर्स कौन से पर्सन विलेज के कौन से एरिया में या तो फिर विलेज छोड़ के कौन से एरिया में जाएंगे ना यू माइट बी थिंकिंग वाई मुकदम इज़ डूइंग लाइक दिस क्यों वो बोलेगा ये विलेजर्स को तो वो हम आगे भी पढ़ेंगे यू विल कम टू नो वाई ही इज टेलिंग विलेजर्स टू गो फ्रॉम द विलेज ही ऑल्सो गिव्स दैम सम मनी एज लोन फॉर देयर एक्सपेंस अब वो क्या करता है मुकदम जो है वो थोड़े बहुत मनी एज अ लोन भी देता है उनके खर्चे के लिए जो विलेजर्स गांव छोड़ के जाने वाले हैं कहीं और काम करने वाले हैं उन, उनको खर्चे के लिए पैसे देते हैं एवर सिंस धनु रिमेंबर्स दिस हैज़ बीन द रूटीन फिर धनु को ये याद आता है कि हर बार ऐसा होता है छः महीने हुए नहीं और हमें अपना गाँव छोड़ के जाना पड़ता है ये तो रूटीन हो गया फैमिलीज़ लाइक धनुज वर्क ऑन लैंड ऑफ बिग फार्मर्स टिल दशहरा बिफोर द रेनी सीजन अब धनु की धनु जो है वैसी जो बहुत सारी फैमिलीज़ है वो दशहरा तक क्या करती हैं रेनी सीजन पे रेनी सीजन के पहले क्या करती हैं खेतों में काम करती है मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रू दिस मंथ्स ये लोग खेती में सिर्फ रेनी uh, सीजन के पहले कुछ महीने तक काम करते हैं ताकि वो लोग अपने लिए सिर्फ अपना एक्सपेंस uh, निकालने के लिए uh, खर्चे निकाल पाए पैसे कमा पाए बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग सिक्स मंथ्स वेन देर इज़ नो रेन एंड नो वर्क इन द फील्ड्स सो एवरी वन बोरोज मनी फ्रॉम मुकदम अब क्या होता है जब बारिश थी तब तक उन लोगों ने खेत में खेत में काम कर लिया सिक्स मंथ्स काम कर लिया बट वॉट अबाउट नेक्स्ट सिक्स मंथ्स बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग मुकदम से पैसे लेते हैं टू पे बैक दिस मनी दे हैव टू वर्क फॉर द मुकदम मुकदम इज़ एन एजेंट फॉर शुगर गन फैक्ट्रीज ही हेल्प डैम टू फाइंड वर्क इन शुगर केन फील्ड्स अब क्या है यहाँ पे ये लोग जो पैसे लेते हैं तो ये पैसे को वापस रिटर्न तो करना पड़ता है ये लोग ने एज अ लोन ये पैसे लिए हैं तो ये वापस पैसे रिटर्न करने के लिए वो जो विलेजर्स थे उनको मुकदम के लिए काम करना पड़ता है और यहाँ पर यहाँ का जो मुकदम है वो कौन है यहाँ चैप्टर में जो मुकदम दिया है वो एक शुगर कैन शुगर केन फैक्ट्री में सबको वर्क दिलाता है तो ये सारे विलेजर्स को वहाँ जाके काम करना पड़ता है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स धनु हिज़ पेरेंट्स हिज काका दैट इज़ फादर्स ब्रदर एंड हिज़ टू एल्डर चिल्ड्रन हिज़ मामा मामी एंड देयर टू डॉटर्स एंड फोर्टी फिफ्टी अदर फैमिलीज फ्रॉम द विलेज विल स्टे अवे फ्रॉम द होम सो सैड सी ये सारे लोग जो गाँव के लोग हैं वो सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे अपना घर गाँव का जो घर है वो छोड़ के उनको कहीं और रहना पड़ेगा इन दिक्स मंथ्स धनु एंड मैनी चिल्ड्रन लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल धनुज़ ओल्ड ग्रैंड मदर आंट हु के नॉट सी एंड टू मंथ्स ओल्ड कजिन सिस्टर वुड स्टे बैक इन द वलेज अब क्या होता है अब छः महीने ये लोगों को सिटी में या तो गाँव के बाहर कहीं और जाके काम करना पड़ेगा जहाँ पर उनको पैसे मिल पाए तो धनु के जैसे जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल में भी नहीं जा पाएंगे और धनु की जो ग्रैंड मदर है धनु की जो आंट है वो जो देख नहीं पाती है और उसकी छोटी सी बहन सिर्फ दो महीने की है उनको वो लोग गांव में ही छोड़ के कमाने के लिए जाएंगे दूसरी जगह पे इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड धनु मिसिज हिज ग्रैंड मदर अलॉट धनु ऑलवेज कीप्स वंडरिंग हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर बट वॉट कैन धनु डू अब क्या होता है सिर्फ धनु की फैमिली में ऐसा नहीं है गांव के जितने भी लोग हैं जितने जितने भी लोगों ने मुकदम से लोन लिया है वो सारी फ़ैमिलीज में ये प्रॉब्लम है घर के जो बूढ़े हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे धनु की छोटी सी बहन है टू मंथ्स ओल्ड की फिर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है जैसे धनु की आंटी देख नहीं पाती है किसी को पैर में अगर कोई प्रॉब्लम है हाथ में प्रॉब्लम है तो वो बाहर सिटी में जाके काम नहीं कर पाता है तो उनको क्या करना पड़ता है विलेज में ही गाँव के जो हाउस है वहीं पर रहना पड़ता है और बाकी के लोग जो काम करने वाले हैं उनको उन्हें गांव के घर पे छोड़ के जाना पड़ता है तो धनु को, को भी चिंता होती है कि मेरी जो बूढ़ी सी ग्रैंड मदर है उनको कौन देखेगा पर बेचारा धनु कुछ नहीं कर पाता है सो चिल्ड्रेन टूडे वी एंड विद चैप्टर वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू स्टे सेफ हैवे नाइस डे एंड यू हैव टू स्टडी वेरी नाइसली बिकॉज यूर यू आर आर नॉट है एनी प्रॉब्लम लाइक धनु ठीक है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपको धनु के जैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको च, आपका गाँव छोड़ के आपका सिटी छोड़ के छः महीने चले जाना पड़ता है पढ़ाई नहीं करनी मिलती है ऐसा तो नहीं है आपके पास तो बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है सो यू हैव टू स्टडी वेरी नाइसली थैंक यू स्टे सेफ हैव अस डे